सेनाओं का प्रभु पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। प्रभु यीशु ख्रीस्ट का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ हो। हम निम्न प्रार्थनाओं को करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं, आप सबके अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए, ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्ट के द्वारा, आमीन। हम प्रार्थना में लगे रहेंगे। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों की शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्ग राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता की दाहिनी ओर विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही यीशु क्रिस्त पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च हैं, आमीन। आज की विशेष कॉलेज, हम प्रार्थना में लगे रहे और आज की कॉलेज जो है वो है, परमेश्वर का संदेश सुनाने वालों पर लोग प्रायः ध्यान नहीं देते। हम प्रार्थना करें। हमसे प्रेम करने वाले सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, नम्रता और दीनता के साथ आपके सम्मुख आते हैं परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए जो आपके मार्फत से हम सबको मिला है परमेश्वर। होने दे कि जब हम अपने घरों में प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आपके वचन की जो भूख है परमेश्वर वो हमारे अंदर है परमेश्वर, तो होने दे कि आपके वचन को ग्रहण करने वाले हो सके, उसे अपने जीवनों में उतारने वाले हो परमेश्वर, क्योंकि जब हम इस संसार में रहते हैं परमेश्वर तो संसार की हर एक चीज़ की तो हम लालसा करते हैं परमेश्वर, उसको अपने जीवन में पाना चाहते हैं परमेश्वर, किंतु ये भूल जाते हैं कि हमारे लिए भला ये है कि हम आपके राज के वारिस ठहरने वाले हो परमेश्वर, क्योंकि जिस प्रकार से आपके कलाम सिखाता है कि जब हम आपके कलाम पे चढ़ते हैं तो कई बार हमें लोग ध्यान नहीं देते, वो इग्नोर करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो उसका महत्व नहीं जानते परमेश्वर, परंतु हम जानते हैं कि जिसने शहद चख लिया परमेश्वर वो जानता है कि उसका स्वाद क्या है परमेश्वर। होने दे कि जिस प्रकार से हमने आपके कलाम को करीबी से जाना है, उसे अपने जीवन में उतारा है परमेश्वर, उसमें होकर के हम अपना जीवन व्यतीत करने वाले हों, आपके नाम को आदर स्तुति अर्पित करने वाले हों परमेश्वर। प्रार्थना कर खासतौर पर मांगते हैं परमेश्वर, होने दे कि अपनी डायसिस के हर एक जन को आपके सम्मुख लेकर के आते हैं परमेश्वर, आपने सबको बड़ी जिम्मेदारियाँ दी हैं परमेश्वर, जब वो आपको अपनी सेवाएँ अर्पित करते हैं विभिन्न रूपों से, अपने बिशप साहब को, अपने पासवान को, हर एक पासवान को आपके सम्मुख लेकर के आते हैं परमेश्वर, होंदे कि आप उनकी सेवकाई में उनकी सहायता मदद करने वाले हों, कि वो दिन प्रतिदिन अपने जीवन से अपने कामों से आपके नाम को आदर स्तुति देने वाले हों। प्रार्थना कर इस समय याद करते हैं परमेश्वर, होने दे कि अपने एडमिनिस्ट्रेशन को आपके सम्मुख लेकर के आते हैं परमेश्वर, हम जानते हैं कि वो जी जान से लगे हुए हैं परमेश्वर, अपनी सेवाएं अर्पित कर रहे हैं परमेश्वर, कि जो बीमारी जो हमारे समाज में आई है परमेश्वर, कोरोना की, जिसका कि आगरा में और इस देश में और खासतौर पर इस दुनिया में हाहाकार मचा है परमेश्वर, उस पर काबू पाया जा सके परमेश्वर, तो होने दे कि आप अपनी आशीष से उनके मामूल करें परमेश्वर, कि वो आपसे बल प्राप्त करने वाले को परमेश्वर, और आप में होकर के अपना जीवन व्यतीत करें लोगों की सेवा में परमेश्वर। हम इस समय याद करते हैं मेडिकल स्टाफ को परमेश्वर, होने दे कि वो भी अपनी सेवाएँ दे रहे हैं परमेश्वर, अपना कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं परमेश्वर, कि जो बीमार हैं परमेश्वर उनको सेवा देने वाले हो सके, उन्हें चंगाई प्रदान करने वाले हो सके, सबके साथ हो, सब पर कृपा दृष्टि बनाए रखे। इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिएगा, आमीन। अब समय होगा कि पुराने नियम का पाठ पढ़ा जाएगा। पुराने नियम का पाठ लिया गया है निर्गमन की पुस्तक उसके 32वें अध्याय उसकी पहली आयत से 14वीं आयत तक। The Old Testament reading has been taken from the book of Exodus, chapter 32, verses 1 to 14. जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है, तब वे हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे, अब हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले।
क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया है वह हम नहीं जानते कि क्या हुआ। हारून ने उससे कहा, तुम्हारी स्त्रियों और बेटे बेटियों के कानों में से सोने की जो बालियां हैं उन्हें उतारो और मेरे पास ले आओ। तब सब लोगों ने उनके कानों से सोने की बालियां को उतारा और हारून के पास ले आए। हारून ने उन्हें उनके हाथ से लिया और एक बछड़ा डालकर बनाया और टाकी से ढका। तब लोग कहने लगे, हे इज़राइल, तेरा ईश्वर जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा लाया है वह यही है। ये देख के हारून ने उसके आगे एक वेदी बनवाई और ये प्रचार किया, कल यहोवा के लिए पर्व होगा। और दूसरे दिन लोगों ने भोर को उठकर होम बलि चढ़ाए और मेल बलि ले आए, फिर बैठकर खाया पिया और उठकर खेलने लगे। तब यहोवा ने मूसा से कहा, नीचे उतर जा, क्योंकि तेरी प्रजा के लोग जिन्हें तू मिस्र देश से निकाल ले आया है वे बिगड़ गए हैं और जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा में उन्हें दी थी उन्होंने झटपट छोड़कर उन्होंने एक बछड़ा डालकर बना लिया, फिर उसको दंडवत किया और उसके लिए बलिदान भी चढ़ाया और ये कहा कि हे इसराइलियों, तुम्हारा ईश्वर जो तुम्हें मिस्र देश से छुड़ा ले आया है वह यही है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, मैंने इन लोगों को देखा और सुन, वे हठीले हैं, आप मुझे मत रोक, मेरा कोप उन पर भड़क उठा है जिससे मैं उन्हें भस्म करूं, परंतु तुझे एक बड़ी जाति उपजाऊंगा। तब मूसा अपने परमेश्वर यहोवा को ये कहकर मनाने लगा, हे यहोवा, तेरा कोप अपनी प्रजा पर क्यों भड़का है जिससे तू बड़े सामर्थ और बलवंत हाथ के द्वारा मिस्र देश से निकाल लाया है। मिस्री लोग ये क्यों कहने पाए, वे उनको बुरे अभिप्राय के अर्थात पहाड़ों में घात करके धरती पर से मिटा डालने की मनसा से निकाल ले आया। तू अपने भड़के हुए कोप को शांत कर और अपनी प्रजा को ऐसी हानि पहुंचाने से फिर जा। अपने दास अब्राहम, इसहाक और याकूब को स्मरण कर जिनसे तूने अपनी ही शपथ खाकर ये कहा था, मैं तुम्हारे वंश को आकाश के तारों के तुल्य बहुत करूँगा और ये सारा देश जिसकी मैंने चर्चा की तुम्हारे वंश को दूंगा कि वह उसके अधिकारी सदैव बने रहे। तब यहोवा अपनी प्रजा की हानि करने से जो उसने कहा था पछताया। ये प्रभु का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अब समय होगा कि उत्तरवादी पाठ पढ़ा जाएगा। रिस्पॉन्सिव रीडिंग के लिए निकालेंगे भजन संहिता 106। भजन संहिता 106 पद 7-14। जब हमारे पूर्वज मिस्र देश में थे उन्होंने तेरे आश्चर्यपूर्ण कार्यों को नहीं समझा, उन्होंने तेरी करुणा को स्मरण नहीं किया, वरन सागर पर, लाल सागर पर विद्रोह किया। फिर भी प्रभु तूने अपने नाम के लिए उन्हें बचाया ताकि उन पर अपनी सामर्थ प्रकट करे। प्रभु तूने लाल सागर को डांटा और वो सूख गया, तू उन्हें गहरे सागर से निकाल लाया मानो सागर सूखा क्षेत्र हो। इस प्रकार तूने उनके बैरियों से उन्हें बचाया, शत्रु के हाथ से उनको मुक्त किया। जल ने उनके शत्रुओं को डुबो दिया, उनमें एक भी शेष ना रहा। तब उन्होंने प्रभु के वचनों पर विश्वास किया और वे स्तुति गान करने लगे। पर वे शीघ्र ही प्रभु के कार्यों को भूल गए, वे उसके परामर्श के लिए नहीं ठहरे। उन्होंने निर्जन प्रदेश में उदर पूर्ति की कामना की और उजाड़ खन में परमेश्वर की परीक्षा ली।
पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है और सदा होती रहेगी। आमीन। अब समय है कि नए नियम का पाठ पढ़ा जाएगा। पवित्र शास्त्र की दूसरी रीडिंग जो कि पाई जाती है रोमियो, उसका 10वां अध्याय, उसकी 13 से 21 आयत तक। क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा, फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम कैसे लें, और जिसके विषय सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करें, और प्रचारक बिना कैसे सुने, और यदि भेजे ना जाएं तो कैसे प्रचार करें। जैसा लिखा है, उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं, परंतु सब ने उस सुसमाचार पर कान ना लगाया। यशाया कहता है, हे प्रभु, किसने हमारे समाचार पर विश्वास किया है? अतः विश्वास सुनने से और सुनाना मसीह के वचन से होता है। परंतु मैं कहता हूँ, क्या उन्होंने नहीं सुना? सुना तो अवश्य है, क्योंकि लिखा है, उनके स्वर सारी पृथ्वी पर और उनके वचन जगत की छोर तक पहुँच गए हैं। मैं फिर कहता हूँ, क्या इसराइली नहीं जानते थे? पहले तो मूसा कहता है, मैं उनके द्वारा जो जाति नहीं तुम्हारे मन में जलन उपजाऊँगा, मैं एक मूढ़ जाति के द्वारा तुम्हें रिस्क दिलाऊँगा। फिर यशाया बड़े याव के साथ कहता है, जो मुझे नहीं ढूंढते थे उन्होंने मुझे पा लिया, और जो मुझे पूछते भी ना थे उन पर मैं प्रकट हो गया। परंतु इसराइल के विषय में वे ये कहता है, मैं सारा दिन अपने हाथ एक आज्ञा ना मानने वाली और विवाद करने वाली प्रजा की ओर पसारे रहा। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। नए नियम का पाठ जो कि पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 11वां अध्याय, पद 16 से लेके 24 तक। मत्ती 11:16-24, जहाँ इस प्रकार लिखा है, मैं इस समय के लोगों की उपमा किससे दूँ? वे उन बालकों के समान हैं जो बाजारों में बैठे हुए एक दूसरे से पुकार कर कहते हैं, हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई, तुम ना नाचे, हमने विलाप किया, तुमने छाती नहीं पीटी, क्योंकि यूहन्ना ना खाता आया और ना पीता। और वे कहते हैं, उसमें दुष्ट आत्मा है, मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया। और वे कहते हैं, देखो, पेटू और पियक्कड़ मनुष्य, महसूल लेने वाले और पापियों का मित्र, पर ज्ञान अपने कामों में सच्चा ठहराया गया है। तब वह उन नगरों की उल्हाना देने लगा जिसमें उसने बहुत से सामर्थ के काम किए थे, क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया था। हाय खुराजीन, हाय बैतसदा, जो सामर्थ के काम तुम में किए गए, यदि वे सूर और सैदा में किए जाते तो टाट ओढ़कर और राख में बैठकर वे कब के मन फिरा लेते। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि न्याय के दिन तुम्हारी दशा से सूर और सैदा की दशा अधिक सहने योग्य होगी। हे कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊँचा किया जाएगा? तू तो अधलोक तक नीचे जाएगा। जो सामर्थ के काम तुझ में किए गए हैं यदि सदोम में किए जाते तो वह आज तक बना रहता। पर मैं तुमसे कहता हूँ कि न्याय के दिन तेरी दशा से सदोम की दशा अधिक सहने योग्य है। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आमीन। हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम इस सुबह के लिए आपको धन्यवाद देते हैं जो आपने हमारी जीवन में दिया, ताकि हम अपने तमाम परेशानी, कठिनाई और बोझों को प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पे आपसे साझा कर सकें, आप पे व्यक्त कर सकें और आप पर छोड़ सकें। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम में हमें शांति दें। ये सब कुछ हम उन्हीं के नाम से मांगते हैं। आमीन। कुछ इस तरीके से कहा गया है, दुख के बोझ से ज़िंदगी कुछ इस तरह डूबे जा रही है कि मेरी हर एक चाहत, हर एक आस टूटे जा रही है। दुख या बोझ ये ज़िंदगी का एक हिस्सा है। और पौलुस प्रेरित ने
गलतियों की कलीसिया को लिखते हुए 6:5 में कहा, हर एक व्यक्ति अपना बोझ उठाएगा। आज इंसान को इस संसार में, इस आसमान के नीचे नाना प्रकार की परेशानियां हैं, नाना प्रकार के वो बोझों को महसूस करता है। किसी को आर्थिक बोझ है तो किसी को सामाजिक, तो किसी को राजनीतिक, किसी को संतान का बोझ है तो कोई निसंतान होके उस बोझ को महसूस करता है। किसी को अपने प्रिय के गुजर जाने से बोझ महसूस होता है तो किसी को संग रहने से बोझ महसूस होता है। कोई बीमारी से ग्रसित है तो उसे बीमारी का बोझ है, किसी को पैसे की कमी से उसको बोझ है। ये बोझ हर एक इंसान की ज़िंदगी का एक हिस्सा बना है, लेकिन इस बोझ के मध्य में ये याद रखना ज़रूरी है कि जब धागा लंबा होता है तभी उलझने का डर होता है, लेकिन जिसे तैरना आता हो वो पानी में नहीं डूबता। और भजन संहिता 55:22 में लिखा है कि अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वही उसको संभालेगा। इसका अर्थ है कि ये जानते हुए कि ज़िंदगी में बोझ है, बोझ का एहसास करते हुए परमेश्वर पे उसके समाधान के लिए उसको छोड़ देना। क्या एक परिंदा ऊँचे आसमान पे जब उड़ता है तो उसे अपने शत्रुओं से पना हो जाने का खतरा नहीं होता? क्या आंधियों के तेज थपेड़ों से उसके पंखों का उखड़ने का उसे खतरा नहीं होता? तब भी वो ऊंचाई पे उड़ता जाता है। क्या ऊंचाई से गिरने का बोझ उसे नहीं होता, डर नहीं होता? तब भी अपनी मंजिल के तरफ मुक्त होके वो चहकता हुआ उड़ता जाता है। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार उसके 11वें अध्याय और 28-29 पद में कहा है कि हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ सहज है और मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो तो तुम मन में विश्राम पाओगे। योग या जुए का अर्थ है कि जब एक खेत को जोता जाए तो दो बैलों को उससे जोड़ा जाता है, या बैलगाड़ी को हाँका जाए तो वो दो बैलों के बीच में उनके कंधों पर, उनकी गर्दनों पर रखी जाती है ताकि दोनों पर उस बैलगाड़ी का वजन या हल का वजन बराबर से विभाजित कर दिया जाए। प्रभु यीशु मसीह का भी यही कहना है कि तमाम जो इस दुनिया में, इस संसार में जीवन के किसी न किसी बोझ से दबे हुए हैं, उनके पास जब जाते हैं तो वो शांति देते हैं, मन में तसल्ली देते हैं, इत्मीनान देते हैं, विश्राम देते हैं। एक बार की बात है कि एक व्यक्ति एक जिंदगी में पहली बार रेल यात्रा कर रहा था और उसने अपने सर पे एक गठरी को रखा हुआ था। जब वो रेल के डिब्बे में गया, जब वो सीट पे बैठा तो वो पोटली, वो गठरी उसके सर पे रखी हुई थी। एक व्यक्ति उसे बहुत देर से, जो उसके साथ यात्रा कर रहा था, उस डिब्बे में बैठा हुआ था, देख रहा था और उसने उससे कहा कि मेरे दोस्त, ये जो तुम्हारे सर पे गठरी है, पोटली है, इसे नीचे क्यों नहीं रख देते? ये व्यक्ति जो अपने सर पे गठरी रख के यात्रा कर रहा था वो कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मैंने जब इस गाड़ी का टिकट खरीदा है तो सिर्फ अपना पैसा दिया है, इस पोटली का नहीं दिया। और अगर मैं इसको ज़मीन पे रखता हूँ या कहीं और रखता हूँ तो हो सकता है कि मुझे इसका किराया अदा करना पड़े। परमेश्वर हमेशा इंसान को वक्त वक्त ये आह्वान देते हैं कि वो उनके पास आए, एक व्यक्ति विशेष उनके पास जाए, हम उनके पास जाएँ तो वो हमारी तमाम परेशानियों का, हमारे बोझों का समाधान करते हैं। जैसा ये व्यक्ति नहीं जानता था कि उसके टिकट में ही उसके सामान का भी किराया जो है वो उसमें सम्मिलित है, उसमें इंक्लूडेड है, तब भी इस अनजान होने के नाते, अनभिज्ञ होने के नाते वो उस बोझ को अपने सर पे उठाया रखा। हम ये जीवन जो परमेश्वर के रूप से एक दान के रूप में दिया गया है, परमेश्वर ने हमें एक वरदान के रूप में दिया है, नाना प्रकार के बोझों को अपने सर पे उठाए फिरते हैं और ये नहीं जानते कि इन सब का समाधान हमारे ईश्वर के पास है। प्रभु यीशु आज इस सुबह हमें आमंत्रित करते हैं कि हम अपने बोझों को उनके ऊपर छोड़ दें ताकि वो उसका समाधान करें, ताकि वो उसका निदान करें। परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। निकिया का विश्वास वचन, हम इसे साथ साथ बोलेंगे। हम एक परमेश्वर
सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं, वो स्वर्ग और पृथ्वी का और समस्त दृश्य वर्दोष वस्तुओं का करता है। हम एक प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र, स्वर्गों से पहले पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत्य परमेश्वर से सत्य परमेश्वर, कृत नहीं वरन उत्पन्न है। उनका पिता का तत्व एक है, उन्हीं के द्वारा सब वस्तुएं बनी, हम मनुष्यों के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वो स्वर्ग से उतर आए। पवित्र आत्मा की सामर्थ से वो कुंवारी मरियम से जन्मे और मनुष्य बने। पैंतीस प्लातुस के शासन में वो हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए, उन्होंने दुख भोगा, वो मरे और गाड़े गए। पवित्र शास्त्र के कथन के अनुसार वो तीसरे दिन जी उठे, वो स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वो जीवित और मृतों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएंगे और उनके राज का कभी अंत न होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं, वो प्रभु और जीवन दाता है, वो पिता और पुत्र से निकलता है, पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना स्तुति की जाती है। वे नबियों के द्वारा बोला, हम एक पवित्र सर्वलौकिक और प्रेरितीय कलीसिया पर विश्वास करते हैं, हम पापों की क्षमा के लिए एक बपतिस्मे को मानते हैं, हम मृतों के पुनरुत्थान की और आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा करते हैं। आमेन। पाप अंगीकार। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं, हमारा प्रभु परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तो प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर, ये पहली आज्ञा है। दूसरी ये है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर, इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह दे दिया कि वो हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करे और हमें शाश्वत जीवन में पहुँचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों को स्वीकार करें, हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का पक्का संकल्प करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच दुखी हैं और अंत कारण से पश्चाताप करते हैं। आपके पुत्र यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उन्हीं के कारण हमने जो पाप किए उनको क्षमा कीजिए और ये वर दीजिए कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा आपकी सेवा करें, ताकि आपके पवित्र नाम की महिमा हो। आमेन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वो आप सब पर दया करे, आपके सब पापों को क्षमा करे और उनसे आपको छुटकारा दे, सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमेन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। शांति अभिवादन। हम सब खड़े हो जाएंगे अपनी जगहों पे। हम सब मिलकर मसीह के देह हैं। हम सब ने एक आत्मा द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्यों में संलग्न रहें जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आपके साथ रहे और आपके साथ भी रहे। अपने आप को परमेश्वर की महिमा और उसकी सेवा के लिए अर्पित करें।
मेरे साथ साथ मेरे पीछे आप ये प्रार्थनाएं बोलें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, संसार की सृष्टि करता, सब वस्तुएं आप ही से प्राप्त होती हैं और आपकी संपत्ति में से हम आपको भेंट चढ़ाते हैं। हम आपसे विनती करते हैं कि आप हमारे धन्यवादी और रोटी एवं दाखरस की इस भेंट को अपने नाम की महिमा और अपने लोगों के लिए स्वीकार कीजिए, हमारे प्रभु यीशु क्राइस्ट के द्वारा, आमीन। हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। प्रभु यहाँ उपस्थित हैं, आप मेरे पीछे बोलें, उनका आत्मा हमारे साथ है। अपना हृदय प्रभु में लगाओ, आप सब कहें हम उसको प्रभु में लगाते हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें, आप कहिए उसका धन्यवाद और स्तुति करना उचित है। ये पवित्र पिता, स्वर्गीय राजा, सर्वशक्तिमान शाश्वत परमेश्वर, ये उचित ही नहीं वरन हमारा कर्तव्य और आनंद भी है कि हम हर समय हर जगह आपके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपको धन्यवाद दें और आपकी स्तुति करें। वही आपका सत्य और जीवित वचन है, उसी के द्वारा आपने आदि से सब वस्तु की सृष्टि की और हमें अपने स्वरूप में बनाया। उसी के द्वारा आप संसार में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञान से प्रकाशित करते हैं। आपने युग युग में नबियों और विद्वानों को नियुक्त किया कि वे हमें आपका मार्ग दिखाएं। उन्हीं के द्वारा आप हमें पाप के बंधन से मुक्त किया। आपने उन्हें दे दिया कि वह हमारे लिए मनुष्य बने, उस पर अपने प्राण दें और मृतकों में से फिर जी उठें। उन्हीं के द्वारा आप अपना पवित्र जीवनदायक आत्मा हमें प्रदान करते हैं, जिससे हम आपकी संतान बने और आपकी नई सृष्टि के प्रथम फल हों। आप मेरे साथ साथ ही बोलें, इसलिए संतों सद्दूतों के साथ जो आप इस सिंहासन के सामने निरंतर आपकी स्तुति करते हैं, हम भी आपके नाम की महिमा का गान करते हैं और ये कहकर आपकी सराहना करते हैं, पवित्र 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 प्रभु, प्रतापी से सामर्थी परमेश्वर, स्वर्ग पृथ्वी आपके ऐश्वर्य से परिपूर्ण है, परम धाम में होशाना। इस प्रार्थना में हम सब सम्मिलित हो, इसलिए दयालु पिता उसी हमारे महापुरोहित के द्वारा धन्यवाद एवं स्तुति की हमारी इस बलि को स्वीकार करें। आज आपकी ईश्वरीय महिमा की उपस्थिति में हम इन पवित्र उपहारों को खाते और पीते हैं, तब आप हमें अपने आत्मा के द्वारा नव जीवन दें, अपने प्रेम से प्रोत्साहित करें और अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के देह में संयुक्त करें। उन्हीं के साथ और उन्हीं में उन्हीं के द्वारा पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से ईश्वर शक्तिमान पिता उन सबके साथ जो पृथ्वी और स्वर्ग में आपके सम्मुख उपस्थित रहते हैं, हम आपकी आराधना करते हैं और स्तुति का ये गीत गाते हैं, धन्यवाद आदर महिमा प्रकम युगानुयुग आप ही के हैं, आमीन। जिस प्रकार हमारे उद्धारकर्ता मसीह क्रीस्त ने हमें सिखाया, हम प्रार्थना करते हैं। ये प्रभु की प्रार्थना आप मेरे पीछे पीछे बोलिए, हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी जैसे स्वर्ग में पूरी होते वैसे पृथ्वी पूरी हो, आप हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दें, आप हमारे अपराधों को क्षमा करें जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, आप हमें परीक्षा में पर मत डालिए परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज्य पराक्रम महिमा अब सदा सर्वदा आप ही के हैं, आमीन। हम दीन प्रवेश की प्रार्थना में सम्मिलित हों, मेरे पीछे पीछे आप दीन प्रवेश की प्रार्थना को बोलें, हे दया में प्रभु, हम अपनी धार्मिकता पर नहीं परंतु आपकी बड़ी और बहुवधी दया पर भरोसा करके आपके इस मेष के पास आने का साहस करते हैं। हम तो इस योग्य भी नहीं कि जो चूर चार आपकी मेष से गिरते हैं उन्हें चुने, पर आप वही प्रभु हैं जिनका स्वभाव सदा दया करना है, इसलिए कृपालु प्रभु हमको यह वर दें कि आपके प्रिय पुत्र मसीह क्रीस्त के देह और रक्त को हम ऐसा ग्रहण करें कि हमारी देह और आत्मा जो पाप से अशुद्ध हो गई है उसकी अमूल्य देह और रक्त से शुद्ध हो जाए और हम उनमें वो हमें सदा सर्वदा निवास करें, आमीन। आप सब मेरे साथ बोलें, धन्य है वो जो प्रभु के नाम में आता है, परम धाम में होशाना। यीशु परमेश्वर के मेमने, हम पर दया कीजिए। हे यीशु हमारे पापों का बोझ उठाने वाले, हम पर दया कीजिए। हे यीशु संसार के मुक्तिदाता, हमें अपनी शांति प्रदान कीजिए। तुम्हारे लिए दी गई
शाश्वत जीवन के लिए तुम्हारे देह और आत्मा को सुरक्षित रखे। जो रोटी आपके पास है उसे अपने हाथों में लें, इसे लो और खाओ इस बात की स्मृति में कि मसीह तुम्हारे लिए मरे, और धन्यवाद करते अपने हृदय में मसीह को विश्वास से खाओ। प्रभु यीशु क्रीस्त का रक्त जो दाग के रूप में आपके पास है, हमारे प्रभु यीशु क्रीस्त का रक्त जो तुम्हारे लिए बहाया गया, शाश्वत जीवन के लिए तुम्हारी देह और आत्मा को सुरक्षित रखे, और अब हम इसे पिए इस बात की स्मृति में कि मसीह का रक्त हमारे लिए बहाया गया। और धन्यवाद, पवित्र सैक्रामेंट को बड़े विश्वास के साथ ग्रहण किया, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे साथ आप ये प्रार्थना बोलें। हे सशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने पुत्र यीशु मसीह के देह और रक्त के आत्मिक भोजन से हमें तृप्त किया। अब हम उन्हीं के द्वारा अपने आप को जीवित बलिदान होने के लिए आपके सम्मुख अर्पित करते हैं। यह बोलते हैं कि हम आपके पवित्र आत्मा के सामर्थ से परिपूर्ण होकर यहाँ से रुखसत हो और अपने जीवन तथा सेवा के द्वारा हर समय आपकी महिमा प्रकट करें। आमीन। हम आशीष वचन ग्रहण करें। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर के उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय विचारों को सुरक्षित रखे, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर और आपके साथ सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन।